नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नायब तहसीलदार ने शराब के नशे में पत्नी को पीटा और घर से निकाल दिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोपी वर्तमान में मुरैना जिले के सबलगढ़ में पदस्थ है और अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। टाटीपुर स्थित सुरेश नगर में नायब तहसीलदार प्रदीप कैन रहते हैं। प्रदीप वर्तमान में मुरैना के सालबगढ़ में तैनात है। गुरुवार को प्रदीप की पत्नी निर्मला ने ठाटीपुर थाने पहुंचकर प्रदीप के खिलाफ शराब पीटकर मारपीट करने का और घर से निकालने की शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी आरबीएस विमल के अनुसार पूर्व में भी प्रदीप पर पत्नी के साथ मारपीट का आवेदन मिला था। प्रदीप शराब पीने का आदी है और पीकर पत्नी के आए दिन मारपीट करता है। प्रदीप की पत्नी गोल पहाड़िया क्षेत्र की रहने वाली है तथा 6 साल पहले उसकी शादी प्रदीप से हुई थी। प्रदीप के 2 बच्चे भी हैं। कई बार समझाने और एक बार परिवार परामर्श कर प्रदीप को समझाई दी है, पर पुनः पत्नी के साथ मारपीट करने व उसे घर से निकालने की शिकायत मिलने पर दहेज एक्ट के तहत प्रदीप के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। निर्मला कैन नाम की जो लड़की है वो गोल पहाड़िया पर रहती है। उसकी शादी जो है प्रदीप कैन के साथ हुई थी। प्रदीप कैन जो है वर्तमान में सबलगढ़ में नायब तहसीलदार। ये जो है शादी के बाद उसके जो है 2 बच्चे हैं और उसके बावजूद भी ये शराब पीने का आदि, अक्सर आए दिन उसकी मारपीट करना, प्रताड़ित करना, दहेज की मांग करना, ये होता रहता था। उसको 1-2 बार उसने आवेदन लगाए तो उसमें हमने अपनी महिला सब इंस्पेक्टर के माध्यम से उनको जो है दोनों को मिलाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, किंतु जो है वो बाज नहीं आ रहा था अपनी हरकतों से। 2 दिन पहले भी उसने लगातार उसकी मारपीट की और घर से निकाल दिया। वो सुबह सुबह आके थाने आई और उसने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी रिपोर्ट पर जो है अपराध 4/98/3 दहेज एक्ट कायम किया गया। कब शादी हुई? शादी हुए उसको काफ़ी करीब 6-7 वर्ष हो गए हैं। शादी को 6 वर्ष के लगभग शादी को हो गए। शादी के 1-2 वर्ष बाद परेशान करना शुरू कर दिया है। क्या डिमांड करता था ये, किस तरीके से? शराब पीने का आदि, मारपीट करता था। उसकी जो भी मर्जी आए वो डिमांड करे, ऐसे व्यक्ति का कोई जो है वो नहीं रहता है। जब जो व्यक्ति समझाने के बाद भी